हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले क्लास टेंथ के मैथ में द्विघात समीकरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी देखने वाले फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। यदि आप क्लास टेंथ के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स, है ना। यदि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा www.studybee.in और इस वेबसाइट का लिंक फ्रेंड नीचे भी दिया गया, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। इस द्विघात समीकरण का हम पहला पार्ट 15 तक कर चुके हैं, जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आज दूसरा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो के विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान निकालना है फ्रेंड्स, है ना। यानी 16 नंबर में क्या है कि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो के विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान निकाल ले। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि जीरो होता है तो फ्रेंड्स, है ना, यदि उसका विविक्तर यानी विवेचक यानी d बराबर यदि जीरो आ जाएगा, d बराबर यदि जीरो आ जाएगा तो क्या होता है कि वास्तविक और समान होता है इसका मूल, क्या होता है वास्तविक और समान होता है। लेकिन उसका मूल का मान होता है, प्रत्येक मूल क्या होता है माइनस बी बाय टू ए होता है ना। किस कंडीशन में, जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो दिया रहे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर क्या दिया गया है जीरो दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माइनस बी है यहाँ पे, तो माइनस बी बी के जगह पे क्या है माइनस बी है, माइनस बी और ए के जगह पे क्या है सी है, टू सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू सी, यानी माइनस माइनस प्लस यानी प्लस बी अपॉन टू सी, प्लस बी अपॉन टू सी किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में है, क्या है ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण पी ऑफ एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। हम जानते हैं फ्रेंड्स द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन क्या होता है टू ए होता है, माइनस बी अपॉन टू ए होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी बी के जगह पे क्या है थ्री है, क्या है बी के जगह पे थ्री है, माइनस पहले से है ना, बी के जगह पे क्या है थ्री है और अपॉन टू और ए के जगह पे क्या है टू है, यहाँ पे क्या है टू गुने टू। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पे माइनस थ्री अपॉन क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन क्या होता है ए होता है ना फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। लेकिन माइनस बी अपॉन टू ए क्या होता है, यानी यदि विवेचक उसका शून्य रहे, विवेचक उसका शून्य रहे, लेकिन उसने उसमें क्या बोला है विवेचक नहीं मांग रहा है, लेकिन क्या बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन क्या होता है ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन क्या दिया गया है यहाँ पे माइनस बी, माइनस पहले से बी के जगह पे क्या है तीन है, ए के जगह पे क्या है दो है, तो किस ऑप्शन में है माइनस थ्री अपॉन टू, ऑप्शन नंबर क्या है डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग हम जानते हैं फ्रेंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है जीरो होता है, लेकिन मूलों का योगफल क्या होता है उसका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। लेकिन क्या दिया गया यहाँ पे बी के जगह पे क्या है माइनस बी है, माइनस पहले से उसमें ना बी के जगह पे क्या है माइनस बी है और ए के जगह पे क्या है यही है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो के मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। लेकिन क्या दिया गया यहाँ पे बी के जगह पे टू दिया गया है, तो माइनस पहले से है बी के जगह पे क्या है टू है और ए के जगह पे क्या है वन है,
तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि माइनस टू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो के मूल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यानी क्या मूलों का योगफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो फ्रेंड्स क्या है, बी के जगह पे क्या है माइनस दो है, तो माइनस पहले से है, बी के जगह पे क्या है माइनस दो है, अपॉन ए के जगह पे क्या है वन है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दो, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक कक्षा का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से एक मीटर अधिक है, तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। क्या दिया गया है, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से एक मीटर अधिक है, तो चौड़ाई यदि हम एक्स मान ले तो लंबाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, ऐसा है ना। और यदि एक्स प्लस वन हो जाएगा, लेकिन क्या बोल रहा है कक्षा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो एक्स गुने एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। लेकिन इसको यदि गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने वन, तो एक्स प्लस 300 माइनस 300 माइनस 300 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 किस ऑप्शन में है, नहीं है उसमें ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान होंगे, तो यदि यदि मूल समान होता है ना फ्रेंड, यदि मूल समान किस कंडीशन में होता है, जब उसका डी बराबर क्या है विविक्तर बराबर जीरो आ जाए, डी बराबर क्या आ जाए जीरो आ जाए। तो फ्रेंड्स डी बराबर यदि जीरो आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स किस ऑप्शन में हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि उसका डी बराबर यदि निकाल ले फ्रेंड्स तो निकल जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए में है डी ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन नंबर बी में है डी लेस देन जीरो, ऑप्शन नंबर सी में है डी बराबर जीरो, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर यदि जीरो आ जाएगा तो इसका यदि हम डी निकालेंगे तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी के जगह पे क्या है माइनस वन है, क्या है माइनस वन, माइनस फोर ए के जगह पे क्या है दो और सी के जगह पे क्या है माइनस वन, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस चार दो ना आठ, क्या हो जाएगा कि नौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा। तो नौ ग्रेटर देन जीरो यानी डी ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर बराबर जीरो का मूल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर बराबर जीरो का मूल होगा, किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका अवास्तविक यानी उसका क्या हो जाएगा डी लेस देन जीरो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे हो जाएगा, दो का यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना, तो बी के जगह पे क्या है दो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए के जगह पे क्या है वन है और सी के जगह पे क्या है चार है, तो क्या हो जाएगा दो दोना चार माइनस चार चौका सोलह, क्या हो जाएगा माइनस बारह हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बारह हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा, यदि डी लेस देन क्या है जीरो हो जाएगा, यानी माइनस बारह क्या है जीरो से छोटा है, तो क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल 2,3 है तो वह समीकरण होगा। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो हो जाएगा, है ना। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।